हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए यहां पे Realme 5 का यहां पे एक छोटा सा रिव्यू। जी हाँ, आज की इस वीडियो में यही स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे कि इज दिस द बेस्ट बजट सेगमेंटेड स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज। जी हाँ, क्या ये 10,000 रुपीज में एक बेस्ट बजट सेगमेंटेड स्मार्टफोन है या फिर 10,000 रुपीज में आपको इसको स्किप करना चाहिए, तो सारा का सारा चीज इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना। तो जैसे कि मैंने बताया, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी Realme 5 के बारे में कि क्या ये वन ऑफ द बेस्ट बजट सेगमेंटेड स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज में आता है, वो भी एक अच्छे ब्रांड वैल्यू के साथ। तो वीडियो को जैसे कि मैंने बताया पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही बड़ा है। अगर आपने इन्फिनिक्स हॉट रेट का डिस्प्ले देखा है तो उसका भी डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ हाइट वाइज 19:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ आता है। तो ये वाला जो डिस्प्ले है ये भी कुछ उसी तरीके से एक्सपेक्ट रेशियो के साथ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक 19:9 एक बड़ा सा यहां पे डिस्प्ले आप लोग को देखने का। इन टर्म्स ऑफ विड्थ वाइज तो उतना ही है, बट हाइट वाइज इसको इंक्रीज किया गया है। 6.5 इंचेस का आप लोगों को HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हां, फुल HD नहीं है, 720p रिजोल्यूशन वाला ही डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देख लो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ये डिस्प्ले। और वहीं टॉप की पोर्शन की बात करूं तो यहां पे हमको देखने को मिलेगा एक नॉच जो कि आएगा फ्रेंड्स 13 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ। तो देख लो यहां पे कुछ इस तरीके से 13 मेगापिक्सल के साथ आता है यहां पे नॉच वाला डिस्प्ले यहां पे। और साथ ही में ऊपर की तरफ हमको देखने को मिलेगा यहां पे फ्रेंड्स ईयर पीस यहां पे। तो देख लो 13 मेगापिक्सल का नॉच यहां पे और एक ईयर पीस, और साथ ही में नीचे की तरफ हमको यहां पे चिन्ह देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पे देखने को मिलता है हमारा डिस्प्ले, जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। यहां पे बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है और इन टर्म्स ऑफ लुक वाइज भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हमको यहां पे देखने को मिलता है। नॉर्मल IPS पैनल वाला ही डिस्प्ले, बट मेरे हिसाब से लुक वाइज ये एक किल कर देता है फ्रेंड्स। वहीं अगर बैक पोर्शन की यहां पे बात करूं तो यहां पे देखेंगे तो क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा। तो ये यहां पे बोल सकते हैं कि एक मुझे यहां पे बेस्ट लगा है, क्योंकि यार ये 10,000 रुपए में प्राइसिंग में आने वाला पहला स्मार्टफोन है जो कि क्वाड कैमरा के साथ यहां पे देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोगों को इसमें चार कैमरा देखने को मिलेंगे, जो कि आएगा 12 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का यहां पे रहेगा फ्रेंड्स अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर हमको यहां पे देखने को मिलेगा। जो मेन 12 मेगापिक्सल का सेंसर है वो सोनी के IMX386 के सेंसर के साथ यहां पे देखने को मिलता है। यहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर और यहां पे रियलमी का ब्रांडिंग आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो यहां पे जो लुक वाइज है वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है ये फोन हमारा यहां पे Realme 5। और जैसे कि मैंने बताया 10,000 रुपीज़ में ये पहला स्मार्टफोन है जो कि आता है यहां पे क्वाड कैमरा के साथ, यानी कि चार कैमरा आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा, जो कि इसके यहां पे लुक को फ्रेंड्स बहुत ही एक अलग यहां पे बना देता है। तो देख लो यहां पे चार कैमरा के साथ यहां पे ये फोन आता है। अब और इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसका जो बैटरी है वो मिलता है आप लोगों को 5000 mAh। जी हाँ, 5000 mAh का भाई एक बहुत ही बड़ा बैटरी बैकअप मिलता है। यानी कि एक दिन तो आप लोग घस के, यानी कि कितना भी गेम खेलो एक दिन तो आराम से निकल जाएगा। नॉर्मल यूज़ करते हो तो दो दिन तो ईजिली तरीके से आप लोगों को चल जाना चाहिए, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम इसमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। जो अडैप्टर है वो फ्रेंड्स 5V 2A का, यानी कि स्टैंडर्ड अडैप्टर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो बैटरी है वो बहुत ही ह्यूज बैटरी बैकअप हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से ये कुछ यहाँ पे यूनिक एक इसको बना देता है कि बड़ा बैटरी बैकअप मिलता है। अब यहाँ पे मेन बात आती है इसके यहाँ पे प्रोसेसर की। तो इसमें हमको यहाँ पे देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर यहाँ पे। तो यहाँ पे कैमरा कर ले फोकस, तो यहाँ पे ये देख लो Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर 2.0 GHz पे क्लॉक किया गया है। अब ये जो प्रोसेसर है वो Snapdragon 660 का अपग्रेडेड प्रोसेसर, यानी कि सक्सेसर है उसका, और ये वाला प्रोसेसर बहुत ही अच्छा काम करता है। चाहे आप गेमिंग ले लीजिए, चाहे आप परफॉर्मेंस ले लीजिए फ़ोन का, फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि Snapdragon 665 का यहाँ पे प्रोसेसर है जो कि इसे बहुत ही कमाल का यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को निकाल देगा। साथ ही में ये वाला वेरिएंट 4GB रैम 128GB स्टोरेज है, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 4GB रैम 64GB स्टोरेज, जो कि 9999 में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि यार हमने देखा है 660 का, क्योंकि मैं अभी भी जो Vivo V11 Pro यूज़ करता हूँ उसमें मिलता है मुझे Snapdragon 660 वाला प्रोसेसर। वो अभी तक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छा कमाल का काम करता है, AI बेस्ड प्रोसेसर है, और यहाँ पे 665 मिल रहा है जो कि उसी का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे सक्सेसर बोल सकते हैं, वो भी AI बेस्ड प्रोसेसर है यहाँ पे। तो इसका भी जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो अल्टीमेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी आप लोगों को परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 4GB रैम 128GB स्टोरेज आप लोगों को जैसे कि आपको बताया देखने को मिल ही जाएगा, और साथ ही में इसमें हमको देखने को मिलता है एंड्रॉयड पाई और कलर OS 6, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिलेगा।
तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोगों को ऐप ड्रॉअर देखने को मिलेगा। और ये जो कलर ओएस 6 है वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस बार बहुत ही हल्का लाइट रखा गया है, मतलब कोई भी फैंसी चीज़ों को इसमें ऐड नहीं किया गया, जितना मतलब सिंपल उन्होंने रख सकते हैं उतना सिंपल लाइट रखा गया ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जो यूज़र इंटरफेस है वो भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देख लो जिस तरीके से ऐप ड्रॉअर भी बनाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फास्ट कलर ओएस 6 का यहाँ पे इस बार ऑप्टिमाइजेशन किया गया, जो कि मैं बोलूँगा कि रियलमी को थम्स अप है भाई। बहुत ज़्यादा काम वो अपने सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं और कैमरा इंप्रूवमेंट्स वो हर हफ्ते मतलब हर महीने बेसिकली आता ही रहता है। सिक्योरिटी पैच के थ्रू अपडेट्स भी उनको मिलते रहते हैं इस फ़ोन में रियलमी के 5 में। तो ये देख लो यार, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बजट सेगमेंटेड स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज़ में आता है। रेडमी का नोट 7S शायद वो भी आता है इसी प्राइस रेंज में, शायद वो 48 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में वो भी आया है 10,000 रुपीज़ के अंदर ही। बट मेरे हिसाब से यार कि इसे मैं क्यों प्रेफर्ड चॉइस कर रहा हूँ पता है क्यों? क्योंकि एक तो यार रियलमी ब्रांड एक समय बहुत मार्केट में छा गया है, यहाँ पे यार बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ यहाँ पे रियलमी लेके आ रहा है और ये जो फ़ोन है वो बहुत ही कमाल का मेरे हिसाब से फ़ोन है। क्यों? क्योंकि यार इसमें हमको पहले तो मिलता है देख लो फ्रेंड क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा 10,000 रुपीज़ के बजट में। मेरे हिसाब से कोई फ़ोन आप लोगों को क्वाड कैमरा देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आप लोगों को बहुत ही बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे 6.5 इंचज़ का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मतलब हाइट वाइज तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा आप लोगों को मतलब वीडियो कंजम्पशन में और बहुत सी चीज़ में आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। साथ में ऊपर की तरफ आप लोगों को नॉच देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। वाइब्रेंट डिस्प्ले यहाँ पे मुझे इसका लगा है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। बैटरी भी बहुत ही बड़ा 5000mAh का आपको देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि इस रियलमी 5 को बहुत ज़्यादा यूनिक बहुत ज़्यादा हटके बना देता है कि आप लोगों को यही फ़ोन लेना चाहिए सिर्फ 9,999 रुपये में। जी हाँ, 9,999 रुपये में बेस्ट बजट सेगमेंटेड स्मार्टफोन है जो कि हर चीज़ों से इसने प्रोवाइडेड किया है फ्रेंड्स। और लुक वाइज भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है इसका लुक। यहाँ पे ये वाला पर्पल वेरिएंट है, यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, आप लोगों को कुछ ऑफ मिल जाएगा। एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक या फिर ICICI बैंक का कार्ड है और 10% ऑफ मिल जाएगा और आपको ये फोन 9,999 वाला करीबन 7,500-8,000 रुपये में मिल जाएगा, जो कि बेस्ट डील रहने वाला है मेरे हिसाब से। तो ज़रूर से ज़रूर इस फ़ोन को कंसीडर कर लो फ्रेंड्स, अगर आपको भी चाहिए एक बेस्ट बजट सेगमेंटेड स्मार्टफोन Realme 5 आपके हाथ में रहना चाहिए। तो यही है वीडियो Realme 5 के ऊपर कि इज दिस द बेस्ट बजट सेगमेंटेड स्मार्टफोन मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से क्या है आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। और इस वीडियो को कर दो प्लीज़ लाइक, एम करते हैं हम, चलो 150 लाइक की एम करते हैं। आप लोग मेरे हिसाब से कर दोगे 150 लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बने रहिए टेक चैनल के साथ, बोलते रहिए जय हिंद। Peace out.